हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवन स्टडीज। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कि मैं एस्टेट की लगातार मेरी सीरीज चल रही है एस्टेट प्रिपरेशन की। तो जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं एस्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए, उनके लिए और जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को व्यू ही कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं अपनी एक नई सीरीज लेके आ रही हूँ हरियाणा जीके की। अब मैंने आज से लगातार मैं कुछ दिनों के लिए, अगले एक हफ्ते के लिए लगातार डेली हरियाणा जीके के मैं डेली के एक टॉपिक उठाऊंगी और उसके क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट करूंगी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हरियाणा के अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। इनमें ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई पुरानी नॉलेज है, सारे मैंने अपने आप वेरीफाई करके अपडेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। और अब आपको हरियाणा जीके की प्रिपरेशन के लिए किसी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपको हरियाणा जीके की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली एचटेट का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि 24 दिसंबर को है, तो अगर आप इन वीडियोज़ को लगातार देखेंगे, लगातार इनको फॉलो करेंगे तो दिन के 15-20 मिनट इनको दे दीजिए और आपके एचटेट का जो जीके वाला सेक्शन है उसकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा इससे बाहर से कहीं से भी जीके का सेक्शन नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रही हूँ। और इस जीके की सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का जो पॉलिटिकल कल्चर है, हरियाणा का जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, हरियाणा के जो रिलीजियस प्लेसेज हैं, हरियाणा के जो डांसेज हैं, जो म्यूजिक है, हरियाणा का जो आर्ट्स हैं, हरियाणा की जो मूवीज हैं, हरियाणा से रिलेटेड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। हरियाणा का साहित्य, हरियाणा के पुरस्कार, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसमें ज़रूर कवर करेंगे ताकि हरियाणा का हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक है वो रहना जाए जिससे हमें जिसके बाहर से पेपर में क्वेश्चन आ जाए। हम कंप्लीट हरियाणा की जीके को इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको हरियाणा की जीके की प्रिपरेशन कहीं से भी और बाहर से करने की नीड नहीं रहेगी। और अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरियाणा साहित्य। हरियाणा साहित्य पत्र एवं पत्रिकाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1885 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था जो 1885 में प्रकाशित हुआ था? पहला पत्र वो था कौन सा, नाम क्या था उसका? इसका सही आंसर है जैन प्रकाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा के पहले हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश के संपादक कौन थे? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं जिनमें से सही आंसर है जियालाल जैन। जो करेक्ट आंसर है वो है जियालाल जैन। जो पहला समाचार पत्र था वो 1885 में आया था, उसका नाम जैन प्रकाश था और इसके संपादक थे जियालाल प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साहित्य से रिलेटेड पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इन तीनों में से आप कैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन क्या समाचार पत्र का नाम क्या था, ठीक है, किसने प्रकाशित किया था और कौन से सन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गुरुग्राम से प्रकाशित होने वाले जाट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गुरुग्राम में जो जाट समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसके जो संपादक थे उनका नाम था कीर्ति प्रसाद जैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम से प्रकाशित होने वाला जाट समाचार पत्र पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में प्रकाशित पहली बार। जाट समाचार पत्र सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था 1889 में और ये प्रकाशित होता था गुरुग्राम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सन 1925 में गुरुग्राम से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? तो 1925 में जो समाचार पत्र गुरुग्राम से प्रकाशित होना आरंभ हुआ था उसका नाम था ज्योतिष मार्तंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सन 1925 में भिवानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? आप ध्यान दीजिएगा, 1925 में काफ़ी समाचार पत्र थे जो प्रकाशित होना शुरू हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम से हुआ था ज्योतिष मार्तंड और जो भिवानी से हुआ था उसका नाम था
सावधान 1925 में ही, भिवानी से सावधान। चलिए, सन 1925 में जगाधरी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो जो जगाधरी से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम था ब्राह्मण समाचार, जगाधरी से ब्राह्मण समाचार, ठीक है, और सन है 1925। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1925 में करनाल से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो जो करनाल से हुआ था उसका नाम था औषध्य ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो प्रहलाद शर्मा ने जो रेवाड़ी से समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था, प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था जैन समाचार, जैन समाचार। ये प्रहलाद शर्मा ने निकाला था रेवाड़ी से। अब देखिए, प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से ज्योतिष समाचार पत्र कब निकाला था? तो जो ज्योतिष निकाला था प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से, वो निकाला गया था प्रहलाद शर्मा द्वारा 1928 में। इसका आंसर है 1928। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सन 1930 में नेकी राम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो नेकी राम शर्मा ने जो समाचार पत्र निकाला था 1930 में उसका नाम था संदेश, उसका नाम था संदेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आत्मनंद मासिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये एक मासिक समाचार पत्र था जो हर मंथली एडिशन जिसका आता था, जिसका नाम था आत्मनंद। तो जो इसके आपसे पूछा गया है कि इसके संपादक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ऑप्शन देखिए, कीर्ति प्रसाद जैन, नेकी राम शर्मा, श्री राम शर्मा और प्रहलाद शर्मा, ये सारे क्या है, ये वो है जो प्रकाशित किया था न्यूज़पेपर पर। इसका सही आंसर है, उसका सही आंसर है कीर्ति प्रसाद जैन। क्या है? कीर्ति प्रसाद जैन ने निकाला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खेलते हैं। संदेश समाचार का पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? अभी पीछे हमने पढ़ा था जो संदेश समाचार हुआ था 1930 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में ग्राम सेवक नाम समाचार पत्र किसने निकाला था? इसका सही आंसर है लाला हरदेव सहाय ने, ग्राम सेवक निकाला था लाला हरदेव सहाय ने, और कब निकाला था? 1936 में। अगला क्वेश्चन, सन 1943 में धर्म क्षेत्र समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? इसका जो सही आंसर है वो है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में कुरुक्षेत्र से निकाला गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कायकल्प पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कायकल्प, तो इसका जो सही आंसर है वो है सफीदो। कायकल्प प्रकाशित होता था सफीदो से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मनंद का 1948 में हिसार से निकलने वाला ज्ञानोदय पत्र कैसा था? दैनिक था, पाक्षिक था, साप्ताहिक था या मासिक था? तो जो इसका सही आंसर है वो है साप्ताहिक। ब्रह्मनंद साप्ताहिक था जो 1948 में हिसार से निकलता था। अगले चलिए, अगले क्वेश्चन जाते हैं। रंगीला मुसाफिर पत्र के संपादक कौन थे? ये बहुत ही मशहूर पत्र था हरियाणा का, रंगीला मुसाफिर, और इसका जो सही आंसर है वो है प्यारे लाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1956 में आत्मा राव जैन ने अंबाला से कौन सा मासिक समाचार पत्र निकाला था? इसका जो सही आंसर है वो है विजयनंद, विजयनंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्माराम जैन का विजयनंद पत्र पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है 1956 में, 1956। आत्माराम ने विजयनंद पत्रिका निकाली थी, ठीक है, आत्माराम जैन जी ने, और ये निकाली थी 1956 में। आगे चलते हैं। 1957 में
चेतना समाचार पत्र किसने निकाला था? इसका जो सही आंसर है वो है रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने। चेतना समाचार पत्र जो निकाला गया था वो रविंद्रनाथ वशिष्ठ के द्वारा निकाला गया था। आगे चलते हैं। भिवानी से निकलने वाली है हरियाणा केसरी साप्ताहिक पत्र का संचालन हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री करते थे? इसका सही आंसर है वो है बनारसी दास गुप्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। के वी दत्त के संपादन में भिवानी में कौन सा समाचार पत्र निकलता था? इसको भी सही आंसर हुआ है हरियाणा केसरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में रोहतक से कौन सा समाचार पत्र निकलता है? इस वक्त में रोहतक से कौन सा समाचार पत्र निकलता है? इसका जो सही आंसर है वो है दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो है 5 सितंबर 1995 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र किसको माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से निकलता है और 5 सितंबर 1995 में निकलना स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं। हरियाणा संदेश पत्र कब प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है 1950। मम्मा चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 29th क्वेश्चन है वो है हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? इसका सही आंसर वो है हरिगंधा। हरिगंधा ये भारत हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे हरियाणा का जो पत्र पत्रिकाएं सेक्शन है वो खत्म हो गया है। हरियाणा का पत्र पत्रिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं से पूछेगा। अब हमारा सेक्शन बी है उपन्यासकार। तो ये जो सेक्शन है ये मैं आपके लिए इसकी वीडियो है वो कर लेके आऊँगी। इसमें आपसे उपन्यासकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हमारा पत्र पत्रिका सेक्शन है जिसमें 29 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए जीके की जो मैंने प्रिपेयर करवाई की है, तो इसके लिए आप मुझे क्या कीजिएगा, आप मुझे एक ईमेल, मेरे को अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है उसको भी कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा। मैं उसको नोट डाउन करूँगी और उसका सोल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। और जो भी आपको अगर ये मेरे क्वेश्चन चाहिए तो मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे इसका मेल सेंड कर दूँगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।